सीएम भूपेश बघेल गंडई में आयोजित माता सावित्री फुले और माता शाकंभरी देवी की पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल हुए। गंडई में माँ शाकंभरी देवी और राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर शिरकत की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ज्योतिबाई फुले ने समाज सुधार का काम किया है, समाज से तिरस्कृत महिलाओं को सम्मान दिलाया है। इस दौरान गंडई में सीएम ने हाईटेक सब्जी मंडी और उद्यानिकी नर्सरी की स्थापना और भवन निर्माण के लिए 50 लाख की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने 2023 तक हर घर स्वच्छ जल की बात भी कही है। कि जन जीवन प्रभावित हुए बिना कोरोना से हम लड़ सके। छोटे बच्चे को लेकर स्कूल बंद होंगे, कुछ घोषणा ऐसी? अभी सब मैंने आज सीएस की मीटिंग, अधिकारियों की मीटिंग मैंने ली और सारे चीज़ों का अध्ययन, सभी विभागों का अध्ययन करके उन्हें रिपोर्ट देने के लिए मैंने कहा है। तो सभी वर्गों से बात करेंगे, क्योंकि अचानक कोई निर्णय लें और वो नुकसानदायक ना हो। पीएचई विभाग के द्वारा धीरी पर प्रोजेक्ट योजना बनाया गया था, 24 विभाग गांव को पानी दे रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगे करके उम्मीद थी सर। खैरागढ़ क्षेत्र गंडई जिला के सर धीरी प्रोजेक्ट में 24 गांव को पानी देने की योजना बनी थी पीएचई विभाग के द्वारा, लेकिन उसमें पानी नहीं मिल पा रहा है बहुत से गाँव को, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगे हैं। पानी नहीं मिला तो उसमें भ्रष्टाचार कहाँ लग गया यार, बोर में पानी आएगा तो। कांग्रेसियों, स्वच्छ जल सभी घरों में पहुंचाया जाएगा 2023 तक, के हमारा लक्ष्य। ठीक है, थैंक यू। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पटेल मरार समाज के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो मांग की गई थी, इसको लेकर सीएम ने आश्वासन दे दिया है। भारत के प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई दाई जेकर हमन हाँ कार्यक्रम रखे हमन 3 जनवरी जयंती मनात हन, एमे हमार मुखिया छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी आए रिसावे और आई से हमन अतके मांगे हैं ओला कि हमार छत्तीसगढ़ में हमार दाई के कोनो पहचान नहीं है, तो सबो झन स्कूल में ओखर चित्र लगे और साथ ही साथ और स्कूल में ओखर जीवनी ओखर पढ़ा जाए, ऐसे की हमन मांगे हैं तो ओमे वह दे दी सब घोषणा घलो करी सवे। एक लिए मैं गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। सावित्री फुले और माँ शाकंभरी देवी की पूजा अर्चना कार्यक्रम में पटेल समाज के लोगों में काफी उत्सुकता देखी गई और आयोजन स्थल पर काफी भीड़ हुई। वहीं सीएम को इस मौके पर खास सम्मान से नवाजा गया। राजनांदगांव से पंजाब केसरी के लिए बसंत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।